कांग्रेस का नाम ही छलावा है। जगदलपुर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बोले लटकना भटकना ही कांग्रेस की नीति, ये इसलिए ही बने हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधा मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की, फिर भाजपा और कमेटी की बैठक लेने के बाद लालबाग मैदान में आयोजित आम सभा को संबोधित करने के लिए रवाना हुए। यहां सभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। सभा को संबोधित करने के बाद नड्डा नारायणपुर रवाना हुए, वहां उन्होंने दिवंगत सागर साहू को श्रद्धांजलि अर्पित की। नड्डा ने कहा कि सागर साहू की हत्या का सुनकर बहुत दुख हुआ। यहां जब से कांग्रेस सरकार आई है नक्सली हमले बढ़े हैं, ये इनके प्रशासन के बारे में बताता है। जब रमन सरकार थी सुखचैन था, सब लोगों के लिए काम हो रहा था, मगर आज मैं देखता हूं कि छलावा हुआ है। मैं डॉक्टर रमन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का नाम ही छलावा है, लटकना भटकना ही कांग्रेस की नीति है। कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस छलावे के लिए ही बनी है, वो लोग भटकने के लिए बने हैं। कांग्रेस के लिए ये सब करना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कांग्रेस का नाम ही फूट डालो राजनीति करो। हम गर्व के साथ कहते हैं कि छत्तीसगढ़ तब बना जब अटल बिहारी वाजपेयी ने पहल की, उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। मुझे याद है कि स्वर्गीय राजीव गांधी और उनका परिवार यहाँ पिकनिक मनाने आते थे, उस दौरान विकास को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। फिर जब रमन सिंह की सरकार आई तब से विकास हुआ। जेपी नड्डा ने कहा कि जब अंधेरा होगा तभी उजाले का महत्व समझ में आएगा। रमन सरकार में बहुत से काम हुए, कांग्रेस का एक काम बता दीजिए जो उन्होंने जनता के हित के लिए किया हो।